मुनाफे का सफर वापस चालू करते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे मेहमान नितलेश जी। नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ में हैं, जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, और जो हमें बताएंगे कि बाजार आज जब महीने की एक्सपायरी का लास्ट डे है, कहाँ होगा, कैसा होगा, उसके साथ में कैसा काम करना चाहिए। नितलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नितलेश जी। नितलेश जी, ये बताइए कि फिर आज जो है बाजार ऊपर नीचे तो बहुत दिखाएगा, ये तो हम मान के चल रहे हैं। एजीएम रिलायंस की और एक्सपायरी, दोनों चीजें एक साथ, कितना रिस्की है आज का बाजार? सर छोड़ना है, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा आज, क्योंकि अब मेरा जनरली एक व्यू होता है कि जब मार्केट बहुत वोलाटाइल होगा तो शांति से बैठे रहो, स्क्रीन को वॉच करो और जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो गेन करो। नहीं तो यहाँ पे हम लोग पैसा बनाने आए हैं, लेकिन अगर पैसा तोड़ दिया इस मार्केट में अभी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं आज वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि इवेंट है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो मेरा व्यू है, मैंने क्लाइंट को सुबह में स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू था, एमजीएल बिकवाया था 58 के आसपास, वो अभी वो चल रहा है। स्टॉप लॉस भी हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया है। तो मेरा तो व्यू है, अगर किसी को काम करना होगा मार्केट में तो थोड़ा सा रिस्क कम करके या फिर क्वांटिटी कम करके काम करो। इवेंट है बड़ा वाला, तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, 15,700 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 15,800 का एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी क्या कहीं कुछ स्कोप देखते हैं क्या सर? नितलेश जी, सर बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा बिकवा ही है, तो 34,700 का लेवल एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी एक्ट कर रहा है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा तो 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें सेल का पोजीशन बना सकते। लेकिन ऊपर में मैं एक लेवल दूंगा 34,840 से देखिए 34,870, ये अगर ब्रेक कर देगा मार्केट ऊपर में तो वन वे मोमेंटम जो होगा वो 150 से 200 पॉइंट्स हमें 10 से 15 मिनट में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो लेवल इम्पोर्टेंट है, 14,700 के नीचे हम लोग बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा होगा सिर्फ 100 पॉइंट्स का, और नीचे में जो टारगेट होंगे वो कल के लो फिर से हमें देखने को मिल। ठीक है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नितलेश जी का व्यू और लेवल्स आपको बता दें। तो नितलेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक में भी कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली वेट एंड वॉच पे आ गए हैं, या वो जो एक आपने कॉल एक बताया था आपने जो करके उसके बाद आपने रोक दिया उसके बाद काम, तो अब आप आज छुट्टी मना रहे हैं, मतलब आज से शुरू कर नहीं, दिया है एक्चुअली रूम मैं एक दिन का गैप? ना इसमें देख रहा हूँ सर, आईटी काउंटर मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आईटी में थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम लग रहा है, उसमें एक एचसीएल टेक है, तो उस लेवल्स को मैं वॉच कर रहा हूँ, 982-83। ये इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर देगा तो एक 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लेके जा सकते हैं। 983-82 इसको ब्रेक करने तो थोड़ा सा सस्टेन हो गया उसके ऊपर 80 के ऊपर, तो एक इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा और वो हमें 30 से 40 रुपए तो पक्का देके जाएगा। ठीक है, एचसीएल टेक पे ये राय है नितलेश जी की, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हैं और बहुत ही कम ऑप्शन हैं, और बहुत ही समय जिस तरीके का, और कम से कम आज के दिन में उनका ये कहना है कि जितना बचा सकें, जितना रोक सकें अपने हाथ को, काम को, उतना अच्छा है। तो एक ब्रेक लेकर के बैठिए, वो अच्छा है। ठीक है नितले जी, फिर मैं सवाल ले लूँ या कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं? जी हाँ सर, एचसीएल टेक को वॉच करना, जरूर वॉच करना 983 के ऊपर। मैं भी देख रहा हूँ क्लाइंट्स को देने के लिए, लेकिन मैं सोचूंगा, क्योंकि एमजीएल हम लोग ऑलमोस्ट 10-12 रुपए के प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो ट्रेड देना है। क्योंकि मेरा काम क्या है, जितना मैं कम ट्रेड करवाऊ क्लाइंट्स को उतना अच्छा है। मैं कोई ये नहीं हूँ कि जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा जितने कॉल दूंगा उतना मेरे को पैसा मिलेगा। मेरा काम एक ही होता है कि जितना कम कॉल दूँ उतना क्लाइंट भी हैप्पी होता है और मैं भी हैप्पी होता है, दिमाग टेबल कहता है। तो सर आप ले सकते हैं सवाल जवाब। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, 983 को वॉच करो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 970 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेके जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये राय है नितलेश जी की।
एचसीएल टेक को वॉच करिए। सर कुछ एक सवाल ले लेते हैं, और बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हैं और जिन्होंने, विनोद गोगिया जी गुड मॉर्निंग, आपने कहा कि आपको बड़े सेटअप के साथ में भी इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो बहुत शुक्रिया, इतना प्यार बनाए रखिए। सर एक सवाल है, जी हाँ सर, अनूप साहू जी का नेल्को पे, नेल्को सर NELCO, नाल्को नहीं, ओके ओके, मैं नाल्को नहीं कर रहा था, 253 के आसपास चल रहा है अभी सर। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, तो ₹235 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को बनाए रखें। इसमें जो ब्रेकआउट आया था शायद उसी लेवल के आसपास फिर से बाउंस बैक आ सकता है, 235 का एक मैं स्टॉप लॉस दूंगा। अगर आप हो सके तो डेली चार्ट कैंडलस्टिक का दिखाओ व्यूअर्स को, तो जहां से ब्रेकआउट आया था एक बार मोमेंटम ऊपर गया, फिर से वो रिटेस्ट करके फिर से वही लेवल के आसपास खड़ा है, तो 235 या फिर 232 का आसपास एक स्टॉप लॉस प्लेस करो और पोजीशंस को बनाए रखो। जैसे ये स्टॉक फिर से 270 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर से एक तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये राय है अनूप जी नेल्को पे, नितलेश जी की कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने है। ठीक है, अनुराग जी का सवाल है ग्रासिम पे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज सर एक ब्रेकआउट की जोन में है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए ग्रासिम में, मैं भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, 1520-1515 का लेवल अगर ये मोमेंटम के साथ ब्रेक कर देगा तो मैं सिर्फ ₹30 के स्टॉप लॉस के साथ 80-100 पॉइंट्स का मोमेंटम के लिए ट्राई करूंगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1515 उसको ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर जैसे ये सस्टेन कर देगा तो एक अच्छा खासा फिर से 100-150 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर टाइटन में भी बना था, टाइटन अगर आप दिखा सकते हो तो ऑलमोस्ट ₹1560 के आसपास सेम स्ट्रक्चर ट्रिपल टॉप का सिनारियो बना था, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ वहां से 150-200 पॉइंट्स का रेंज ऊपर के साइड में देखने को मिला। ग्राफिम का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही मेरे को लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 1515 ब्रेक होने का, जैसे ही वो ब्रेक कर देगा मोमेंटम तो मैं डेफिनेटली बाय जाना पसंद करूंगा उस स्टॉक। टाइटन और ग्रासिम का सिमिलर है, लेकिन ग्रासिम में थोड़ा वेट एंड वॉच, और उसके बाद जो लेवल्स बताए नितलेश जी उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है सर, एक राज मल्होत्रा जी का सवाल है NMDC, NMDC अभी हमने डिस्कस नहीं किया ना सर? नहीं नहीं सर, NMDC नहीं डिस्कस किया, NMDC पे मैंने पहले भी बहुत टाइम व्यू किया है NMDC का, 170 से लेके 175 एक क्रिटिकल जोन है, जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो तब तक पोजीशंस को होल्ड करके रखें, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद उसमें फॉलो बाइंग नहीं आया और अभी एक साइडवेज नेचर में है, तो इसको अगर प्लस करना है तो 185 के ऊपर प्लेस करना होगा, प्लस करना होगा, और जैसे ही 185 का लेवल ऊपर में ब्रेक होगा तो फिर से एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए 170 का स्टॉप लॉस है, जैसे ही कट करेगा निकल जाओ, लेकिन फिर से मोमेंटम अगर पकड़ना चालू कर देगा 180-185 के ऊपर तो फिर से रीएंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर 170 ब्रेक कर देगा तो फिर से नीचे पे आ सकता है ये स्टॉक 155 के आसपास। तो टेक्निकली पैटर्न काफी अच्छा है, तो जब तक 170 होल्ड है तब तक पोजिशन को होल्ड रखें और नया पोजिशन और फ्रेश 185 के ऊपर ऐड कर लीजिए। 185 के ऊपर नया ऐड कर सकते हैं NMDC में। सर एक सवाल मैं आपसे स्पेशली इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि हमारे आज बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है, और हम ही थे शुरुआती दौर से हमने इसको सजेस्ट भी किया था, BF यूटिलिटीज पे 300 और उसके नीचे की लेवल्स पे हमने बाय करवाया था, और अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए, शुरू कर दिया जाए, या और रुकना चाहिए? 308 के आसपास या 300 के आसपास की एवरेज बाइंग है हमारे ज्यादातर दर्शकों की BF यूटिलिटीज में।
सर टेक्निकली ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, हो सके जो आपने बोला कि 300 के आसपास का बाइंग प्राइस है, अभी 535 चालू है। तो देखो जो स्टॉक बढ़ रहा है उसको जल्दी में काटने की कोशिश मत करो, तो 470 480 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशंस को होल्ड रखो, क्योंकि ये स्टॉक में एक लेवल देता हूँ 550 के ऊपर अगर ये फिर से चलना चालू कर देगा तो 700 उसके लिए दूर नहीं है। तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये बीएफटी नीति 500 का 1000 हो जाएगा या फिर 2000 हो जाएगा। हम लोग क्या करें, अभी थोड़ा सा रिस्क कम करके प्रॉफिट लॉक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और जितना जाना है उसको जाने दीजिए। अगर ट्रेल स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हम लोग 180 पॉइंट्स लेके जाने वाले हैं घर पे, तो 60 रुपए की रिस्क के साथ होल्ड किया जा सकता है। ये राय है, इसमें बने रहिए लेवल्स, लेकिन वो स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते चलिए, प्रॉफिट ब्लॉक करते चलिए, लॉक करते चलिए। ठीक है सर, वैभव ग्लोबल पे एक सवाल है, महेंद्र जैन जी जानना चाहते हैं आपका व्यू। सर वैभव ग्लोबल थोड़ा सा अभी साइडवेज है, तो मैं प्रेफर करूंगा अगर ये 740 750 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था इस स्टॉक में, और उसका जो ब्रेकडाउन आया था वो 800 के नीचे आया था, और अभी वो ट्रेंड लाइन उसी को रजिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही फिर से 750 का लेवल ब्रेक होगा तो इसमें से पोजिशन हल्की कर लो, क्योंकि चार्ट के ऊपर मेरे को इतना कुछ दम नहीं लग रहा है, लेकिन किसी के पास कोई इनसाइडर न्यूज होगा, कुछ फंडामेंटल्स होंगे तो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अभी इसमें जो प्रेस तेजी आने वाली है वो 840 के ऊपर ही प्रेस तेजी आएगी। ठीक है, चार्ट को देख करके नितलेश जी को वैभव ग्लोबल में कोई ताकत, कोई दम नहीं दिख रही है। खबरों के चलते कुछ और होता है तो अलग बात है, ये व्यू है। सर एक दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है, डीएलएफ पे 235 पे कह रहे हैं इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए? सर होल्ड करो डीएलएफ को, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है उस स्टॉक में और अभी भी उसी लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है डीएलएफ। डीएलएफ से अच्छा मैंने आज ना जीएमआर इंफ्रा दिया है, एक्चुअली मैंने मेरे क्लाइंट्स को 27 रुपए से बाय करवाया है, 27-28 रुपए के आसपास, तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को बुलाया है कि 32 से लेके 28 तक बाय करो, और जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 22 रुपीज का होगा, बहुत डीप स्टॉप लॉस है, तो क्वांटिटी भी उसी हिसाब से कम रखो, सब कुछ पैसा एक ही इसमें डालना नहीं है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट की इसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 2011 से ये स्टॉक एक नैरो रेंज में है, और उसका जो ब्रेकआउट है वो 30 रुपए के आसपास कंफर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे में अगर मिलता है तो लेके जाना चाहिए। ये मेरे लिए बेस पे टारगेट प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए इसमें पोजीशंस बनाई रखी हम लोगों ने, तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लो, जितना हम लोग रिस्क ले सकते उतना ही ले लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये चलना चालू कर देगा तो 90 रुपीज तक भी जा सकता है, ऐसा मैंने क्लाइंट्स को मेरे बोला है, आज ही सुबह मैंने मैसेज किया है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, मेरे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको ये कॉल्स मैंने दिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं नितलेश जी कि काफी लंबे समय से, करीब 2011 से ये इसी रेंज में चल रहा था, और उस रेंज के अपर लेवल्स के आसपास है, और उसमें ब्रेक होता हुआ शायद लग रहा है, या कर सकता है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल सकता है तो, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर चल करके अच्छा मुनाफा, 60 और 90 भी हो सकता है 30 रुपए का शेयर आज की तारीख में, तो ये एक इंटरेस्टिंग व्यू है। ठीक है नितलेश जी, ठीक कह रहा हूँ मैंने, सही कहा आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा राजा मुखर्जी जी का एक सवाल ले लेते हैं, फिनोलेक्स केबल्स पे पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है। सर इसको होल्ड करें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, लग तो रहा है अच्छा, और ऊपर में फिर से हमें
650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक मंथली चार्ट के ऊपर मेरे को रिवर्सल दिख रहा है और एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग लेट हुए हैं। अगर मंथली चार्ट अगर आप दिखाओगे तो एक उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर, छोटा वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है और उसका जो ब्रेकआउट है वो 450 के आसपास कन्फर्म हुआ है और अभी अच्छा खासा चल रहा है इसको, तो चलने दीजिए। काफी एक अच्छा मोमेंटम के साथ वो स्टॉक चल रहा है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लगाना होगा तो 460 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। यहाँ से उसने पैनिक लो बनाया था 455 460 का और उसके बाद एक फिर से तेजी दिखा रहा है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते। काफी अच्छा साफ सुथरा चार्ट पैटर्न मेरे को दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसको बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ये राय है फिनोलेक्स पे। नितलेश जी, कुछ आईपीओ को नजर रखा क्या आपने, कुछ कि जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें कहीं कुछ आपको लगता है कोई संभावना है? सर पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं आईपीओ स्टडी नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट्स को देखता हूं, और आईपीओ अगर स्टडी करने लगूंगा तो सब कुछ फंडामेंटल या फिर कंपनी क्या करती है कैसे करती है ये सब कुछ चीजें स्टडी करनी पड़ती है, तो मैं उसमें ज्यादा जाता नहीं हूँ आईपीओ में। लेकिन मैं मेरे क्लाइंट्स से एक ही चीज बोलता हूँ कि आईपीओ अगर लेना है तो लॉटरी की तरह लो, लिस्टिंग अगर लॉट हो गया तो आपको लॉटरी लग गई और लिस्टिंग गेन के लिए आप काम करो इसमें, तो मैं आईपीओ उत्तर ट्रैक नहीं करता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो नितलेश जी ये कह रहे हैं कि एक ये डिफरेंस इसको इस तरीके से भी समझते चलिए कि नितलेश जी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिए उनको चार्ट चाहिए होता है जिसको देख करके वो बताते हैं। उस चार्ट को बनने के लिए उसके उसको टाइम चाहिए होता है, किसी भी स्टॉक को लिस्ट होने के बाद में और इतने सालों से है वो बाजार में लिस्टेड है तो उसके शेयर का प्राइस और सारा जो उसका मूवमेंट है उसको देख करके एक चार्ट बनता है, उसको प्लॉटिंग के साथ में उस चार्ट को देख करके वो बताते हैं कि इसके अंदर में आगे क्या लेवल्स और क्या संभावनाएं बनती हैं। नई लिस्टिंग में चार्ट नहीं है, आज ही से चार्ट शुरू होगा, तो अब आगे चल के कभी नितलेश जी जब उनको उतना डेटा मिल जाएगा उसके अंदर में उतने समय की लिस्टिंग हो चुकी होगी तब वो उस पर बता पाएंगे, तो वो उसके बाद उनके लिए वो काम का होता है या उनके उस पर शुरू करते हैं। अभी वो जो करेंगे वो हमेशा उनको पीछे कम से कम डेटा चाहिए होगा लंबा, और जितना ज्यादा डेटा मिलेगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे। जैसे अभी उन्होंने जो बताया GMR इंफ्रा में, तो वो इसलिए बताया कि 2011 से 2021 को रखा है, 22 रखा है, यहाँ तक इतने 10 साल के अंदर में जब डेटा बता रहा है उसके पीछे का भी डेटा बता रहा है, तो उसे पीछे के लेवल्स पता है 10 साल से किस रेंज में चल रहा है और उसके किस स्तर पे आ रहा है और क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं उसके चलते वो एक अच्छा व्यू दे पाते हैं, तो ये डिफरेंस है। अनुप जी, मैं आपको सोना कॉमस्टार पे अलग से दिलवा दूंगा किसी फंडामेंटल से, और जैसे अभी हमने मेटालिक पे भी बात करी थी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर नितेश जी आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।